ओके ऑल राइट सो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी इट्स योर बॉय विशाल परमार तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके सो गाइस बहुत टाइम के बाद कम से कम 2 महीने के बाद आज ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम लोग एंड इतना लंबा ब्रेक के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है एंड मज़ा भी आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जाने का था टैटू निकालने बट आज का जो कॉन्टेंट था टैटू के बेस पे था बट टैटू जो आर्टिस्ट है जयेश भाई को मैंने कॉल किया था तो वो कुछ काम से फैमिली के काम से बिजी थे तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग सोच रहे क्या करें क्या नहीं तो अभी आगे एक प्लान है तो आप लोगों को मैं आगे जाके बताता हूँ। अभी हम लोग जाते हैं वहाँ पे एंड आज हम लोग के साथ है कौन पता है मारुक गेमिंग। एक्चुअली हम लोग का प्लान 1 वीक से चालू था, 1 वीक से इसको ना टाइम था तो मेरे को नहीं टाइम था, मेरा तो शेड्यूल पूरा बिजी है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा आने वाले ब्लॉग्स में। तो ये देखो अभी मिला तो जाओ जाके इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, इस साइड लाइटनिंग नहीं आ रही थे हाँ तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो। अभी आगे जाते हैं एंड मिलते हैं, चलो तो लेट्स गो। ओके ऑल राइट सो अभी हम लोग पहुंच गए तुर्बे स्टेशन पे, मीन्स यहाँ पे स्टेशन है एंड हम लोग अभी ने प्लान किया आईकिया जाने का। अगर किसी को नहीं पता आईकिया क्या है तो वो एक फर्नीचरिंग मतलब ब्रांड है, मतलब जो घर में जो जो चीज़ें मतलब सेटअप करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे मिलती है, हर एक चीज़ें मैं आप लोग को वहाँ पे जाके दिखाऊँ। एंड हम लोग का प्लान कब से था जाने का, बहुत टाइम से था एंड अभी हम लोग को टाइम मिला तो अभी हम लोग जाते हैं एंड हम लोग को कुछ काम भी नहीं है तो अभी वहाँ पर जाके आप लोग को दिखाते हैं। ये स्टेशन के आउटसाइड है, यहाँ से कुछ 10 मिनट्स है अप्रॉक्स। तो अभी हम लोग बाई वॉक भी जा सकते हो, बाई रिक्शा भी जा सकते हो पर हम लोग बाई वॉक जाना प्रीफर करेंगे क्योंकि 10 मिनट्स तो कोई भी चल सकता है ऑब्वियसली। तो अभी जाते हैं एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैं होप करता हूँ कि उन लोग अभी कुछ प्रॉब्लम्स ना लाए क्योंकि हम लोग 2 या 3 बार गए थे, फर्स्ट टाइम तो कोरोना चालू था तो बेसिकली हम लोग का फर्स्ट डोज नहीं था तो वहाँ पे वैक्सीनेशन के वजह से उन लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को अलाउड नहीं करेंगे तो हम लोग चले आए थे। फिर सेकेंड टाइम वापस वैक्सीनेशन था बट 15 डेज नहीं हुए थे तो उसके वजह से लिया नहीं। तो अभी देखते हैं अभी ये टाइम तो हम लोग कैसे भी करके अंदर जाके रहेंगे एंड यहाँ पे पब्लिक थोड़ी अजीब तरीके से देख रही है तो या आगे जाके मैं देखता हूँ, आगे जाके मिलता हूँ एंड हेलो व्हाट्सअप ऐसा सब सीन है। तो अभी आगे जाके यहाँ पे से जैसे आईकिया आ जाएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं। 2 मिनट का ही रास्ता है एंड यहाँ पे गाड़ी की आवाज़ बहुत आती रहेगी आप लोगों एंड धूप फॉग बहुत ज़्यादा धूप है। एक्चुअली मॉनसून का सीज़न है और बारिश भी नहीं आ रही है, मतलब फटे धूप है, बारिश आनी चाहिए एंड देखते क्या होता है क्या नहीं। ओके तो लेट्स गो। The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps. Okay, so proper. यहाँ पे देख किचन का सेट है, यहाँ पे किचन का आपको डोर दिख रहा है। यहाँ पे ये कुछ प्राइस है 35,990, मुझे खुलता भी नहीं, यहाँ पे कुछ तो ऑफर रहेगा पता नहीं। एंड किचन के ये टेबल ये क्या है, ये बाजी काटने वाला रहेगा यहाँ पे है तो ये प्रॉपर बहुत बेहतर है। यहाँ पे हर एक चीज़ की आप लोगों को प्राइस दिख रही है एंड यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, फटे क्राउड है तो थोड़ा ऑफर लग रहा है पर हम लोग शूट करेंगे। एंड ये पूरा रूम से यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी पॉट है, ये डाइनिंग टेबल है, प्रॉपरली एडजस्टेड है, आप लोग यहाँ पे आके जो यहाँ के आइडियाज़ है वो चुरा सकते हो
अगर आप लोग खरीदने हैं तो आप लोग आइडियाज लेके आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं। हर एक चीज है प्रॉपर सेट करके रखा है। वॉशरूम है, यहाँ पे वॉशरूम है जो कि सबसे मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ पे कोई भी नहीं तो यहाँ वॉशरूम के प्रॉपर सेट है। यहाँ पे शॉवर है, यहाँ पे प्लीज डू नॉट यूज, यहाँ पे एक अच्छा सा मिरर है। यहाँ पे एक अच्छा मिरर है जो कि इसका प्राइस है। अभी ये जो है वो एक दूसरा रूम है। यहाँ का सेटअप आप लोग देखो, यहाँ का सेटअप एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे एक ट्री पॉट है, यहाँ पे सब जो भी किचन एक्सेसरीज है हर एक प्रॉपर जगह पे रखा है। यहाँ पे बेसिन है, ये देखो यहाँ पे प्राइजेस भी है, आप लोग प्राइजेस भी दिख जाएंगे। कुछ देखो ना मिरर है ये लैम्प है, ये बहुत ज्यादा बॉम्ब लग रहा है। कुछ 28,999, ये भी कंफर्टेबल है। पे भी एक अच्छा सा एक सोफा टाइप है एंड यहाँ पे लैम्प है, ये भी बहुत बॉम्ब चेयर है। मीन्स एक राजाओं के जैसे, इसका प्राइस कुछ 22,900। तो या लुक दिस गाइस, ये वाला मिरर देखो, इसका जो फॉर्मेशन है वो एक डोप है एकदम प्रॉपर। एंड इसका कुछ प्राइस है 1,699। तो ये बहुत क्लास लग रहा है। एंड यहाँ का बुक स्टेशन देखो, बुक स्टेशन में एकदम क्लोजली है। यहाँ का लैंप है, यहाँ पे एक टेबल है। ओके सो यहाँ पे दिस इज द थिंग वी नीड इन आवर लाइफ, तो कुछ ऐसा है। एंड या तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा डोप है एंड एकदम क्लासिक है, आप लोग देखो तो। सो ये एक फ्रेम है जो कि इंडियन कल्चर है एंड ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखो सो प्रॉपर है। ओके सो ये वाला यहाँ का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो देखो, यहाँ पे ब्लैक है एंड यहाँ पे लैवेंडर कलर है जो कि बेस्ट है। एंड आई होप मेरा रूम भी कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ का बेंच है, मिरर है। तो ये होप है वन डे वी विल डू दिस टाइप ऑफ इंटीरियर एंड ऐसा इंटीरियर होगा। यहाँ पे देखो प्रॉपर बुक्स है एंड ये सब चीज नेसेसरी है। यहाँ पे एक बेड है, कंफर्टेबल बेड है। ओके सो यहाँ का मेरे को एक कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे हर चीज ब्लैक है एंड जो वॉल का कलर है वो लेवेंडर कलर है, तो ये एकदम प्रॉपर कंबाइन हो रहा है, अच्छा दिख रहा है। ओके सो यहाँ पे बेड सीट का कवर है, मीन्स बेड जो किड्स लोग का रहता है वो भी यहाँ पे देखो। मीन्स यहाँ पे कुछ ऑफर का है जो 399 का है, 249 में मिल रहा है आप लोगों को। अच्छा है, फ्री प्रमोशन है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो आप लोग देख के यहाँ पे ले सकते हो। एंड यहाँ का जो आइडियाज़ है वो बहुत अच्छे अच्छे हैं एंड यहाँ पे हर एक चीज़ है, किड्स लोग के लिए भी है एंड प्रॉपर हर एक चीज़ है। मतलब यहाँ पे अगर एक्सप्लोर करने जाओ तो पूरा दिन चले जाएगा। तो अभी हम लोगों को और काम भी है तो फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, तो हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे एंड निकलते हैं थोड़े टाइम के बाद। एंड भूख भी लगी है तो देखते हैं। वहाँ पे बेड शीट भी अच्छे अच्छे, टेबल्स जो एक्सेट्रा आप लोग के सब, सॉरी। तो या यही सब है, तो अभी देखते जाके एंड लेट्स गो। ओके तो ऐसा कुछ मेरा बेडरूम रहेगा जो कि यहाँ पे मैं सोऊंगा। यहाँ पे एक लैंप जैसा है। ओके तो ये क्लासिक लग रहा है एंड फोर शोर मेरा बेडरूम ऐसा रहेगा, बट उसका कलर थोड़ा अलग होगा। ये प्रॉपर अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखो हर एक चीज़ है, यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग एडिट कर सकता हूँ बैठ के।
यहाँ पे क्लोथ्स रख सकते हैं, यहाँ पे बुक्स हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी, अच्छा प्रॉपर फॉर्मेशन है। ओपन करके दिखा दो ना। यहाँ पे क्लोथ्स भी रखे हैं मेरे, अभी से ही रख दिए मैंने क्योंकि बाद में काम आए, तो अभी मैं सोच रहा हूँ चेंज करके अब ये निकाल के शर्ट पहनता हूँ। यहाँ पे से जैसे मॉर्निंग में मैं उठूँगा डायरेक्टली यहाँ पे वॉशरूम में आ सकता हूँ मैं, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, इंडोर भी नहीं है। वॉश बेसिन है यहाँ पे, सब इधर शॉवर है बाथ जो कि मेरा सबसे फेवरेट जगह है, वॉशरूम यहाँ पे मैं अपना इंट्रो शूट कर सकता हूँ अच्छे से वॉशरूम में। तो आप लोग ने मेरा बेडरूम देख लिया, तो अभी हम लोग जाते हैं एंड नीचे जाके देखते हैं कुछ खाते हैं। हम लोग भूख लगी है, चार्जिंग भी नहीं है एंड मेरे बाल थोड़े अजीब दिख रहे हैं, एंड तुम्हें को ऐसे क्यों दिख रहे हैं? तो अभी हम लोग जाते हैं, जाओ जाके अभी तक जो ब्लॉग देख रहे हैं जाओ जाके लाइक कमेंट शेयर करो, एंड लाइक करने से आप लोगों को पता है क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो अभी जाते हैं आगे देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे अंदर इतना घूम घूम के अभी हम लोग को बोला है एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो अभी जो यहाँ के जो हेज करके यहाँ पे इन लोग जो काम करते हैं मीन्स कोऑर्डिनेटर है, उन लोग ने बोला है कि ये एरो फॉलो करना। मैं आप लोगों को बैक कैम से दिखाता हूँ, ये एरो है, ये एरो हम लोग को फॉलो करना है। तो हम लोग हाँ ये जो एरो है वो हम लोग को फॉलो करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे एग्जिट पॉइंट पे। तो देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग घूमते जा रहे हैं यहाँ पे से, हर एक सेक्शन आ रहा है यहाँ पे, ये सेक्शन है यहाँ पे प्लास्टिक का है, यहाँ पे क्लोथ्स का है, पर एग्जिट मिल रहा ही नहीं। तो यहाँ के कोऑर्डिनेटर को पूछा तो उन्होंने बोला ये एरो फॉलो करना है, तो हम लोग एग्जिट पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। तो क्या आप लोग पहुँचेंगे एग्जिट पॉइंट पे? हेज I'm not sure पर हेज ने बोला है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के जो टी शर्ट पे लिखा है वो हेज क्यों लिखा है वो पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता रहेगा तो बोल देना। हाँ तो भी एग्जिट पॉइंट कहाँ पे? यहाँ से राइट लेना। अरे बोला ना बट देयर इज नॉट एन एरो, राइट अच्छा राइट ये एरो फॉलो करते हैं एंड देखते हैं अभी हम लोग एग्जिट पॉइंट पे पहुंच पाते हैं कि नहीं बॉस, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए हम लोग चल चल के। डेफिनेटली हम लोग वापस लाइटनिंग एरिया पे आ गए। वापस है ये एरो, बट ये वापस हम लोग वहाँ पे ही जा रहे हैं, यहाँ पे आखिरी बोला यहाँ पे से एग्जिट पॉइंट है। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे से बेडशीट वाले एरिया पे आ जाएंगे। तो फक इन लोग प्रॉपरली हम लोग को घुमाते जा रहे हैं यहाँ पे, वापिस हम लोग वही एरिया में आ गए। आई थिंक सो इन लोगों को पता है कि नहीं एग्जिट पॉइंट कहाँ पे एग्जैक्टली। तो सो बेसिकली हम लोग एरो फॉलो करते करते अभी तक हम लोग एक गार्डन वाले सेक्शन में आ गए थे, एंड गार्डन वाले सेक्शन के बाहर अभी एक सब बड़ा सा एक हॉल टाइप लग रहा है। तो पता नहीं अभी ये कौन सा सेक्शन है, हम लोग चल चल के प्रॉपरली वुडन सेक्शन है। तो ये आई थिंक सो वुडन सेक्शन है एंड ये फॉग डूड ये बहुत बहुत ही बड़ा है लिटरली, ये देखो आप लोगों को दिखता रहेगा। फाइनली ओके सो फाइनली हम लोग को एग्जिट मिल गया, हम लोग को इतने टाइम से लेवल वन ओके सो यहाँ पे बेस्ट। हाँ ओके तो फाइनली एग्जिट मिल गया एंड हम लोग अभी बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत सेक्शन है अलग अलग तरह के, ये भी बहुत बड़ा है यहाँ पे देखो आप लोग लिटरली। तो या एग्जिट तो अभी बाहर जाके मिलते हैं, बाय। ओके फाइनली हम लोग एग्जिट पे आ गए एंड या बाहर आ गए एंड लुक एट दिस हेज डा सी यू सून। तो ये एक प्रॉपरली स्वदेशी लैंग्वेज है,
आई थिंक सो, अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग बताना मुझे, क्योंकि ये मेरे को पता नहीं, हर मतलब हर एक ऑर्डिनेटर और यहाँ पे जो स्टाफ था उन लोग के टी शर्ट पे हेज लिखा था, तो हम लोग हेज को फाइंड आउट कर करके थक गए थे। और फाइनली हम लोग को वो एरो फॉलो करते करते हम लोग पहुँच गए। एंड यहाँ पे से अगर कोई स्लिप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स नहीं दिए गए, प्रॉपर प्लेन है। Okay, all right. So I hope you guys enjoyed the video. If you did, make sure you subscribe my YouTube channel. And I will see you soon on my next vlog. So definitely, आप लोगों का idea था vlog कैसा लगा, कैसा नहीं, आप लोग comment section में बताओ. And हम लोग ने बहुत enjoy किया. And yeah, अच्छे-अच्छे reels भी shoot किए. तो जाओ जाके Instagram पे देखो. And आप लोगों को वहाँ पे reels दिख जाएंगे. So yeah, bye. Beating from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings, I just need a taste.